तो जी हाँ दोस्तों, का आज हम जानेंगे इसके बारे में कि मल्टी वेंडर की जो ऐप थी, मैंने आपको इससे पहले एक मल्टी वेंडर के बारे में बताया था। तो फिर दूसरा एक एप्लीकेशन अभी नया लॉन्च हुआ है हाउस मार्केट के नाम से, जो मल्टी वेंडर का कॉन्सेप्ट है वो हमने केस का डेवलप किया है। तो उसमें क्या है कि अगर आप मैनेज करना हो, आप किस तरीके से आप मल्टी वेंडर के सिस्टम को, मल्टी स्टोर के सिस्टम को किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप उसमें मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, तो आइए हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले हम ऐप की तरफ जाते हैं कि ऐप का लुक किस तरह से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसकी तरफ पहले हम देख लेते हैं जो ऐप हमारा किस तरह का है, नहीं है। ठीक है, ये मल्टी वेंडर का ऐप है, ये मल्टी स्टोर है। ठीक है, ये मल्टी वेंडर भी है और स्टोर भी है, दोनों चीज़ें एक साथ है। अगर आप चाहें कि मल्टी स्टोर रखें तो मल्टी स्टोर रख सकते हैं, और मल्टी वेंडर रखना चाहें तो आप मल्टी वेंडर रख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रखना क्या है, नहीं रखना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इस तरह से लॉगिन का ऑप्शन आएगा और स्किप का ऑप्शन आएगा, साइनअप का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, ये इस तरह का दिखेगा, ये ओटीपी साइनअप के साथ होगा। ठीक है, तो खैर मैं अभी डायरेक्ट इसको स्किप कर लेता हूँ, और स्किप करके मैं यहाँ पे चलता हूँ और देखता हूँ कि ये ऐप की जो लुक एंड फील है वो किस तरीके से दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये इसका कैटेगरी का सिस्टम है, यहाँ हम कैटेगरी में इस तरह से देखेंगे। इसके जो होम पेज की स्लाइड है, बड़ा खूबसूरत सा स्लाइड दिख रहा है यहाँ पे, ये होम पेज की ये स्लाइड है। यहाँ पे आपको ऊपर सबसे पहले कि ये लोकेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, गूगल से लोकेशन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो नया रिसेंट प्रोडक्ट है वो रिसेंट प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो नया जो व्हाट्स एंड न्यू को प्रोडक्ट्स है वो चीज यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो भी नया प्रोडक्ट्स ऐड होगा वो नया प्रोडक्ट्स आ जाएगा। यहाँ पे एक खूबसूरत सा स्लाइड है, एडवर्टाइजिंग स्लाइड है, यहाँ पे वो स्लाइड आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी दो टाइप की कैटेगरी है, एक फ्रंट में कैटेगरी है, दूसरा यहाँ पे अंदर कैटेगरी है। ये वही कैटेगरी है जो आपको गो ग्रोफर में दिखता है या फिर बिग बास्केट की टाइप है, उस टाइप में दिखता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें, जैसे ये आपको इस तरह कैटेगरी आपको दिख जाएंगे। ठीक, इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी में आप क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे इसकी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखेंगी। जैसे अभी ये मैं दाल एंड पल्स में क्लिक करता हूँ तो दाल एंड पल्स के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होगा, आप 1 ग्राम, 5 ग्राम, 100 ग्राम या 1 किलो, 1.5 किलो, जो भी चीज़ है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। आप बिल्कुल इसको आराम से इसको क्या नाम है ऐड कर सकते हैं, ऐड टू कार्ड कर सकते हैं। ऐड टू कार्ड करके यहाँ पे अपना जो भी ऐड टू कार्ड करेंगे ऑटोमेटिकली कार्ड पे आ जाएगा, और कार्ड से आने के बाद इसको आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करके, जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे साइन इन मांगेगा। यहाँ पे इसकी जो खूबसूरती है वो बहुत अच्छी खूबसूरती है, इसकी पूरी डिटेल है, आप इसके बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। इसका स्टोर ऐप की ऐप भी है इसके अंदर, या स्टोर ऐप में क्या होगा कि बंदा जो अपने स्टोर की स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह ये सब की चीज़ कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे, इसके अलावा आप क्या नाम है डिलीवरी बॉय का भी देख सकते हैं। डिलीवरी बॉय में भी उनको रहेगा, डिलीवरी बॉय कितना डिलीवर कर चुका है, नहीं किया है, उसकी पूरी हिस्ट्री इसमें होगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल से हम इसके वीडियो के अंदर जानेंगे, या आप किस तरीके से आप अपने मल्टी स्टोर या मल्टी वेंडर के ऐप को मैनेज करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कि यहाँ पे अगर आपको ऐप बनाना हो या आपसे बनवाना, हमसे बनवाना चाह रहे हैं,
तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके का हम हमसे ये ऐप बनवाना चाहें बना सकते हैं। इसके एडमिन का जिस तरह के या इसका एडमिन है, एडमिन की जो खूबसूरती है, उस एडमिन की खूबसूरती की चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। जिस तरह से ये देखिए, ये आपका स्टॉक मैनेजमेंट का ऐप है। तो इस तरह के अगर आपको ऐप बनाना हो या फिर मल्टी स्टोर या मल्टी वेंडर की चीज़ें आप बनवाना चाहें तो हमसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट करके बनवा सकते हैं। इसमें जो भी फीचर्स हैं, जैसा भी फीचर्स हैं, जिस तरह की भी चीज़ें हैं वो आपको ऐड करना चाह रहे हैं या कोई नया फीचर्स इसमें ऐड करना चाह रहे हैं आप, तो वो चीज़ें आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।